आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। कुछ शब्द बोलना चाहूंगा मेरे सभी भाई बहनों के लिए, मसीह लोगों के लिए भी, और दूसरा जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वरन जो विरोधी थे उनके लिए भी। तो कहना यह चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, अपने शत्रुओं के शत्रुओं से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें दुख देते हैं, उनको तुम आशीष दो जो तुम्हें सताते हैं, उनको माफ करो और प्रेम करो, और एक दूसरे के अपराधों को उछालो मत वरन प्रेम से ढांप दो, और माफ करो और आगे बढ़ो। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो और भूल जाओ, माफ करो और भूल जाओ। क्या भूल जाओ? दूसरों के अपराध भूल जाओ, क्योंकि प्रेम यही दर्शाता है, प्रेम एक बलिदान है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन में काम किया है, तो उसी काम को बताने के लिए एक मसीह व्यक्ति दूसरे लोगों को सुसमाचार इसीलिए सुनाता है कि ताकि जो चमत्कार, जो ब्लेसिंग्स, जो उद्धार, जो पापों की क्षमा, जो शांति और सुख, विश्राम और आराम हमने पाया है जीते जी, वही चीज आप लोग, सामने वाले दूसरे लोग भी पाएं जो मसीह के वचन को नहीं जानते। इसलिए दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और इसमें एक लास्ट बात कहना चाहूंगा कि देखो, वचन, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और एक मसीह व्यक्ति, ये सब प्रभु की आत्मा के द्वारा है। और जब ये लोग, मसीह लोग, किसी दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं, मतलब जैसे मैं किसी को सुसमाचार सुना रहा हूँ, सामने मेरे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई बहन है, चाहे कोई भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, तो मैं उसको सुसमाचार सुनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि यीशु ने कहा है कि जैसे मैंने तुम्हें शांति दी है, जैसे मैंने तुम्हें मैंने बचाया है, तुम औरों को बचाओ। वो नहीं जानते हैं मुझे, वो नहीं जानते हैं, वो दुख में पड़े हैं, बीमारियों में है, लाचारियों में है, समस्याओं में है, पाप के कारण उनके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे, पाप के कारण वो मुझसे दूर हो चुके हैं, पाप के कारण उनके जीवन में बीमारियां हैं, उनको बताओ। और यीशु ने ये भी कहा है हमसे कि पाप के कारण उनका जीवन नरक को जा रहा है, उनको बचाओ। और यीशु ने हमसे ये भी कहा है कि जाओ तुम लोगों को सुसमाचार सुनाओ जो दुख में, तकलीफ में है, कर्जा में, गरीबी में, घटी में, बीमारी, परेशानियों में, और जो आत्महत्या करने पर है, जो अपने आप को मौत के घाट उतारने पर है, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उनके पास सब, किसी किसी के पास तो बहुत कुछ भी है लेकिन उनके पास यीशु नहीं है, पैसा बहुत है, धन दौलत है लेकिन आंसू भी है, बीमारी भी हैं, और अच्छे अच्छे घर बार है तो कोर्ट केसेस हैं, कचहरी हैं, और ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, जिनके कारण यीशु मसीह का वचन ना होने के कारण सभी के जीवन में घुट घुट कर जी रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप सभी ने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत और भी कई सारे एक्टर्स हैं, उनके पास पैसा बहुत है, दिखता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, हमें लगता है कि वो बहुत आलीशान जिंदगी जी रहे हैं लेकिन उनके पास खुदा का वचन नहीं है, सच्ची शांति नहीं है। अगर शांति और आराम होता ना तो वो फांसी नहीं लगाते। बस यही कहना चाहता हूं कि यीशु का वचन लोगों के पास नहीं है, और आज लोग यीशु मसीह के वचन का इनकार करते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो एक कहना चाहता हूं कि ये है, सामने वाला व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते, जिसको मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, उससे तो मैं ना कभी मिला, और अगर मिला भी हूं तो मेरा उससे लेना देना क्या है, मेरा उससे क्या काम, जब मैं अपनी खुशी से जिंदगी जी रहा हूं तो मुझे किसी से क्या मतलब। लेकिन मतलब है हमारा, ये वचन परमेश्वर ही तो हमें बताता कि बेटा मतलब है, देख तेरा मुझसे क्या रिश्ता था, मैंने तुझे बचाया तो तू उसको बचा। वचन में लिखा है जिसे हम देखते हैं, यार अगर हम उससे प्रेम नहीं करते तो जिसे हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा है तुम सारे भाई बहन हो और तुम सारे मसीह के लोग हो, तुम्हें बचाना है उन लोगों को जैसे मैंने तुम्हें बचाया है। वो लोग मेरे वचन को नहीं जानते जैसे तुम नहीं जानते थे, आज तुम जान चुके हो तो तुम्हें उनको बताना ताकि वो भी जाने उस समस्या और पाप के गड्ढे से वो निकले और अच्छी जिंदगी पाए और दूसरों के लिए जिए और इनके दुख खत्म हो। तो यही चीज है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं किसी को सुसमाचार सुना रहा हूं, तो सुसमाचार सुनाते हुए उदाहरण जैसे कि मेरे सामने कोई व्यक्ति है, अगर मैं उसको सुसमाचार सुना रहा हूं, सुनाते सुनाते अगर वो कुछ, उसने कुछ बोला कि हाँ भाई ये मसीह है, धर्म बदला, ये बदला, वो बदला, सो मुंह सो बात है, आप लोग जानते ही हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा आपसे रिश्ता क्या है कि मैं आपको सुसमाचार क्यों सुना रहा हूं। मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मेरे को प्रभु ने बोला है कि भाई मैं प्रेम करता हूं इसीलिए। और दूसरी बात यह है कि भाई तेरे जीवन में चमत्कार होगा तो तेरे जीवन में होगा, छुटकारा तेरे जीवन में होगा, और आशीष भी तेरे जीवन में आएगी, और बीमारी से आजादी भी तुझे मिलेगी, कर्जे से आजादी भी तुझे मिलेगी, और छुटकारा भी तू पाएगा, पापों की क्षमा भी तू पाएगा, उद्धार भी तू पाएगा। मेरे को क्या मिलेगा, मैं क्यों सुसमाचार सुना रहा हूँ, इसमें मेरा फायदा क्या है? हमारा कुछ भी फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाला इस बात को नहीं समझता है। और इंसान जैसे बीमारियों में, दुखों में, कर्जे में, गरीबी में, घटी में, समस्या में, बड़ी बड़ी समस्या को लेकर इंसान आज आंसुओं में है, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए कभी कहाँ चला जाता है, कभी अपने घर परिवार वालों को छोड़ देता है, कभी परिवार से अलग हो जाता है, कभी रिश्ते नातों को तोड़ देता है, उनके वो ऐसे ऐसे दुखों में जी रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अरे भाई ये मेरे को इतनी सारी बातें बता रहा है, ये तो इसको तो मैं जानता भी नहीं।
लेकिन इसको ये इतनी सारी जो बातें बता रहे हैं मेरी सुख और शांति के लिए, क्या ये सच में ऐसा ही है? कोई ये नहीं सोचता है कि भाई इसको क्या मिलेगा, इसको तो कुछ नहीं मिलेगा। सो ऑब्वियसली ये सीरियसली बात है कि अगर मैं किसी को सुसमाचार सुना रहा हूँ तो इसमें मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सामने वाले को चंगाई मिलेगी, बीमारी से आज़ाद होगा तो वो होगा, छुटकारा मिलेगा तो उसे मिलेगा, आशीष मिलेगी तो उसे मिलेगी। मेरा तो काम है सिर्फ सुसमाचार सुनाना, बाकी एक्सेप्ट करना ना करना वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है। बस यही कहना चाहता हूँ कि इंसान सोचता है कि हमें पैसा मिलता है, धर्म परिवर्तन होता है और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन किसी के पास भी कोई एग्जैक्ट, कोई सीधी, कोई पक्के प्रमाण के साथ कोई ऐसी गवाही नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया। लेकिन बस एक बात बताना चाहता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, सामने एक फल लटका हुआ है, चार लोगों ने कह दिया कच्चा है, चार कहते हैं कड़वा है, चार कहते हैं खट्टा है, चार कहते हैं मीठा है, लेकिन जब तक उसको नहीं खाएंगे ना, जब तक उसका फल का टेस्ट नहीं पता चलेगा। जैसे इंसान डॉक्टर बदलता है वैसे ही इंसान विश्वास बदलता है, इस बात का ध्यान रखना। धर्म का मतलब होता है भले काम पवित्रता के काम, और अधर्म का मतलब होता है बुरे काम, पाप के काम। धर्म का मतलब यही होता है। आज इंसान कहता है धर्म बदल गया, धर्म बदल गया। बस इतना कहना चाहता हूँ कि लास्ट मेरा पॉइंट यही है कि अगर मैं किसी को सुसमाचार सुना रहा हूँ तो सामने वाले का ही फायदा है, पैसे उसका बचेगा, बीमारी से आज़ादी उसको मिलेगी, छुटकारा उसको मिलेगा, टूटे रिश्ते उसी के जुड़ेंगे, आशीष उसको मिलेगी, नुकसान उसका फायदे में बदलेगा, मतलब हर चीज़ में नुकसान। जैसे शरीर को लेकर कोई नुकसान हो रहा था, कोई ऑपरेशन बोला था तो उसको ऑपरेशन से छुटकारा उसी को मिलेगा, पथरी से छुटकारा उसी को मिलेगा, बड़ी बड़ी समस्याओं से, बीमारी से आज़ादी उसको मिलेगी। लेकिन सुसमाचार अगर मैं सुना रहा हूँ तो उसमें मेरा क्या फायदा है, ये इंसान नहीं सोचता है। इंसान अपनी ब्लेसिंग्स को, इंसान अपनी आती हुई आशीषों को रोक देता है दूसरों की बातों को सुनकर, दूसरों की कही हुई को मानकर, जैसे कि धर्म बदल जाएगा। बस प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इतना कहना चाहता हूँ कि लाइफ में हर बात को एक्सपीरियंस लें, और उसके बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद एक मजबूत विश्वास अपने खुदा पर रखकर, परमेश्वर पर रखकर, फिर उसकी गवाही के साथ आप वापस आओगे। अगर आप एक्सपीरियंस लोगे तो किसी के कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाना, किसी के दिखावे रास्ते पर मत चलना, बस अनुभव लेना। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।